मंडल का विस्तार होगा तो उस विस्तार में हम आपकी नजर में आएंगे। देखिए, जो पीडीए का नारा दे रहे हैं वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। जनता को ठगने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए। देखिए, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपना संतुलन, दिमागी संतुलन या मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान को मानते तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। अब पीडीए गठबंधन क्या क्या होगा? पांच राज्यों में चुनाव तो गठबंधन की उसका स्थिति कहीं अलग अलग चुनाव लड़ लिए सब। देखिए, जो पीडीए का नारा दे रहे हैं वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। जनता को ठगने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए, सरकार बनाने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए। सरकार बन जाएगी तो हम लोग ईडी सीबीआई से बचे रहेंगे, इस नाते ये लोग परेशान है। कि बस्ती में दो घटनाएं हुई हैं, दो उसमें अलग अलग हत्या हो गई है, एक रवि राजभर की और एक रिंकू राजभर की, तो उन्हीं का दरवाजा करने के लिए आज हमको उधर जाना है। नहीं देखिए, अब इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी अपनी बात कहने के लिए, और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आज अखिलेश यादव जी का एक बयान आया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। जब उनके राज में, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे, तो शायद भूल गए कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ उन्हीं की सरकार में हुआ था। उनकी सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, और योगी जी की सरकार में दंगे और कर्फ्यू नहीं है, इस नाते उनको लग रहा है कि कानून का राज नहीं है। उन्हीं की सरकार में प्रदेश की जनता ये कहती थी कि गुंडों की सरकार है। गुंडों की सरकार के नाम से समाजवादी पार्टी की सरकार जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब लोग जानते थे। देखिए, ज्यों मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें शामिल होंगे। नहीं, ऐसा मैंने कोई बयान नहीं दिया। एक बयान मैंने दिया था कि 7 तारीख को हम बताएंगे कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बात कर लेंगे दिल्ली, तो दिल्ली के लोग, मध्य प्रदेश, ये जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें लोग व्यस्त हैं, अब खाली हो गए हैं, अब उनसे बात करेंगे। इतना जरूर है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उस विस्तार में हम आपकी नजर में आएंगे।